हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सब लोग एकदम बढ़िया है, चले होने भी चाहिए। यही सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात है कि सबको पहले सबसे अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही चीजें हो सकती हैं। ठीक तो बच्चे, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है इस चैप्टर में, क्योंकि आप इस साल का भी अगर बोर्ड का पेपर देखें, ठीक है, आपको तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा वो बोर्ड का पेपर देखें, तो अब जो मैं आज डेरिवेशन आपको कराने वाला हूँ वो आज के बोर्ड के पेपर, वो इस बार के बोर्ड के पेपर में भी आएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, मैंने कहा कि जितने भी मैं अब क्लासेस दूंगा उनमें से कुछ ना कुछ बोर्ड के पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत ढंग से इसको आपको समझना है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जनरली तीन एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है। उसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग वायर। ध्यान रखना, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग वायर, ठीक है, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो शेल या कंडक्टिंग शेल, ठीक है, और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, ये तीन चीजें तो है ही हमारे पास। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक मैं डेरिवेशन आपको और कराऊंगा, वो आपको एनसीईआरटी के एक हायर ऑर्डर क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका न्यूमेरिकल आपको एक एनसीईआरटी में दे रखा है, सबसे लास्ट जो सॉलिड एग्जांपल आपके पास एनसीईआरटी में है वो उसी टॉपिक के ऊपर है, और वो आप तब समझ पाएंगे जब आप वो डेरिवेशन करेंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको चीजें कराऊंगा। तो सबसे पहली चीज हमारे पास है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। इसमें सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि इसका डायग्राम कैसे बनना है, क्या क्या मेन बातें हैं जो आपको इसके अंदर सीखनी है। बहुत ध्यान से देखते रहना बेटा कि मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं। ठीक है, उसके साथ साथ आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा उसको लर्न करना। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। अब यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब हो गया चार्ज बिल्कुल एक ही तरीके से हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और इनफाइनाइट वायर का मतलब होता है कि जिसके एंड्स जो हैं वो फिक्स ना हो। ठीक है ना, दोनों तरफ से वायर किसी भी लेंथ की हो सकती है, लेकिन ये पक्की बात है कि जिसके एंड से फिक्स नहीं होंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि पूरी वायर का एक पोर्शन ले लेते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डायग्राम कैसे बनना है। सबसे पहले क्या किया आपने, एक वायर बनाई, दोनों एंड को मैंने डॉटेड लगा दिया। डॉटेड का मतलब क्या है? इनफाइनाइट, इधर भी, और उसके ऊपर मैंने चार्ज रख दिया, यानी कि वायर का जो रेगुलर पोर्शन दिख रहा है इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो, हमें बनानी है, आपको पता है गॉस थ्योरम हम जब भी यूज करेंगे तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और गॉसियन सरफेस के लिए मैंने आपको कुछ बताया था कि गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं। गॉसियन सरफेस इज दैट हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच एनक्लोजेस द चार्ज, जो चार्ज को अपने अंदर बंद कर लेती है। अब आप सोच के देखिए, ये रही वायर मेरे पास, ठीक है, मैं मान लेता हूं ये वायर है और इसके ऊपर ऐसे 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 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ यहां होगा? भाई आगे भी तो हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, तो ऐसी कौन सी सरफेस मैं बनाऊं जो इस पूरी चार्ज को एनक्लोज कर ले, बंद कर ले अपने अंदर? कौन सी सरफेस हो सकती है, किस शेप की हो सकती है? तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस हो सकती है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये सिलेंडर जैसा बनेगा, स्फीयर नहीं बनेगा। स्फीयर तो तब बनता जब एक पॉइंट होता, पॉइंट के चारों तरफ अगर सरफेस बनाओगे तो एक स्फीयर बनेगा, लेकिन इस वायर के चारों तरफ अगर मैं एक सरफेस बनाता हूं तो सिलिंड्रिकल शेप बनेगी। अब वो सिलिंड्रिकल शेप कैसी है देखते हैं। गॉसियन सरफेस को आपको डॉटेड लाइन से बनाना है, ये तो हमने सबसे पहले दो डॉटेड लाइन बना ली और फिर ये, दिस इज द सिलेंडर विच एनक्लोज द चार्ज विद इन इट। यस, उसने अपने अंदर चार्ज को एनक्लोज कर लिया, ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हो गई। ठीक है, इमेजिनरी सरफेस हो गई जिसने अपने अंदर चार्ज एनक्लोज कर लिया, तो ये सिलिंड्रिकल बनेगी। अब डॉटेड क्यों बनाना है? डॉटेड इसलिए बनाना है क्योंकि एक्चुअली ऐसी कोई सरफेस नहीं है, दिस इज इमेजिनरी सरफेस, सिर्फ यही मेन बात थी यहां पे चार्ज था, लेकिन गॉस थ्योरम आप तब लगाते हैं जब चार्ज को एनक्लोज कर लेते हैं, ये उसकी कंडीशन है। तो एनक्लोज करने के लिए आपके पास एक सिलिंड्रिकल सरफेस बन गई। अब बात करते हैं इसके आगे की, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन चार्जेस की वजह से, और जिस सरफेस के अंदर आपने इसको एनक्लोज किया वो सिलेंड्रिकल है, तो क्या मुझे ये बता सकते हैं कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं?
ये एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर में कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सोचिए। थ्री। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है इसका ये साइड का सर्कुलर पार्ट, और एक होता है इस साइड का सर्कुलर पार्ट। तो इन टोटल वी हैव थ्री सरफेसेस ऑफ सिलेंडर। तो क्योंकि थ्री सरफेस ऑफ सिलेंडर है इसलिए हम तीन डिफरेंट जगह सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और मैं उसका सरफेस का नाम ले रहा हूं, लेट दिस सरफेस इज वन, दिस सरफेस इज टू एंड दिस सरफेस इज थ्री। तो पहले मैं वन टू थ्री इसको इंडिकेट करता हूं। बहुत ढंग से सुनना, क्योंकि डायग्राम ढंग से समझ में आएगा तो आपको डायरेक्शन बहुत इजीली समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है, बस एक बार अटेंटिव होकर इसको देखना, ठीक है। देखिए अब बेटा मैं क्या करता हूं, मुझे अगर इस सरफेस को सॉल्व करना है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा रीजन मान लेता हूं यहां पे, ये एक रीजन था। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है तो यहां एक रीजन सेलेक्ट कर लेता हूं, और इस वाली सरफेस को देखना है तो यहां एक रीजन सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मेरा काम है कि मैं सरफेस एरिया के डायरेक्शन को इंडिकेट करूं, और आपको रिकॉल करा दूं कि सरफेस डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस वाली सरफेस के लिए सरफेस एरिया का डायरेक्शन होगा ये, दिस इज डी एस कैप फर्स्ट सरफेस के लिए, इसको मैं डी एस वन मान लेता हूं फर्स्ट सरफेस एरिया, ठीक है। सेकंड सरफेस एरिया के लिए ये आ जाएगा डी एस टू, और थर्ड सरफेस एरिया के लिए आ जाएगा यहां डी एस थ्री। तो तीन सरफेस एरिया की डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर दी आउटवर्ड्स, ठीक है, इसके इधर, इसके ऊपर, इसके बाहर। अगर नीचे भी इंडिकेट कर लेते, हालांकि नीचे इंडिकेट करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस पूरी सरफेस को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक पार्ट बहुत है। अब मैं ये कर सकता हूं कि इसको ऊपर ना लिख के नीचे लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन लिखना एक ही बार है, क्योंकि सरफेस पूरी की पूरी मिला के एक ही है। तो एक सरफेस ये हो गई, इसका सरफेस एरिया ये हो गया छोटा सा पार्ट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक सरफेस ये हो गई, इसका छोटा सा पार्ट ये ले लिया। अब देखो बच्चे, अब बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको जो पॉजिटिव यहां पे चार्ज दिख रहा है ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ई कैप, ठीक है। यहां अगर मैं बात करूं भाई, पॉजिटिव चार्ज तो यहां है ना। अब पता है जबरदस्त बात बताने वाला हूं, बड़ी कंसेप्ट वाली बात। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा हूं, और अब देखना वो सही हो सकती है कि नहीं, ठीक है। देखो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे दिखा रहा हूं, E कैप, और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को E कैप दिखा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, मैंने तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बिल्कुल सेम बनाई है, यहां भी ऊपर, यहां भी ऊपर, यहां भी ऊपर। क्या आपके दिमाग में ख्याल नहीं आता कि अगर ये सिलेंडर है तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां है, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, फिर तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऊपर होनी चाहिए थी, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इसके बाहर होनी चाहिए थी, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके बाहर होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे और ऐसे आना चाहिए था, है ना। लेकिन फिर भी मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनाया, ऐसे नहीं बनाया, बताओ क्यों? यही तो मस्त क्वेश्चन है, क्यों? इसका जो आंसर है वो आपके यहां छुपा हुआ है, इनफाइनाइट वायर। यार जो वायर ही इनफाइनाइट है तो मैं क्या उसका एंड देख सकता हूं? नहीं देख सकता ना, क्योंकि उसका एंड होगा ही नहीं। जब एंड होगा ही नहीं तो जब एंड ऐसा बनेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे निकाल दोगे? तो क्योंकि इसका एंड नहीं है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यही बन पाएगा जब तक इसके एंड फिक्स नहीं हो जाते। और एंड फिक्स होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, डायरेक्शन इसी का है हमारे पास, इनफाइनाइट वायर है। तो बिकॉज वी डोंट हैव एंड्स, तो इसलिए वहां पर चार्ज इस वाले पॉइंट पोर्शन पे और इस वाले पोर्शन पे नहीं आ पाएगा, और इस वाले पोर्शन पे अगर चार्ज नहीं आ पाएगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। तो जो चार्ज पॉसिबल है वो यहां पॉसिबल है इसके ऊपर, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब मैं पूछता हूं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में तीन डिफरेंट पोर्शन है, एक ये और एक ये, क्या एंगल बता पा रहे हैं इनके बीच में एंगल कितने कितने होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में यहां पर कितना एंगल है? करेक्ट, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऊपर और सरफेस एरिया इधर, यहां पर कितने का एंगल है? 0 डिग्री, करेक्ट। यहां पर कितने का एंगल है? 90 डिग्री। तो इन तीन में से दो जगह 90 डिग्री का एंगल है और एक है हमारे पास 0 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्व करना है कि इसका नेट ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। अब आप सोच के देखो, अगर मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
तो फिर मुझे तीन डिफरेंट रीजन सॉल्व करने पड़ेंगे, तीन पोर्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक ये पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। इन तीनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसको लिखेंगे। ठीक, अब मैं डायग्राम में कुछ और चीजें इंडिकेट कर दूं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जितना पोर्शन मैंने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया है बेटा, द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज एल। एल जो है वो लेंथ है उस पोर्शन की। मैंने बोला इनफाइनाइट वायर है तो लेंथ तो लिख ही नहीं पाओगे, लेकिन जितना पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी लेंथ तो लिख सकते हैं। ये फाइनाइट लेंथ है, यहां से स्टार्ट करके यहां खत्म कर दिया, वो एल हो गई। साथ ही साथ ये जो सर्कुलर पार्ट है, अब ये सर्कुलर पार्ट है तो उसकी कुछ रेडियस भी होगी, उसको हम आर मान लेते हैं। ये हुआ आपका कंप्लीट डायग्राम। और मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि अभी रिसेंटली आया, इसी साल बोर्ड में आया, और कॉपी करेक्शन करने के दौरान मैंने इन चीजों को देखा भी कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से है। तो मार्किंग स्कीम में बच्चे हाफ मार्क तो जनरली इस डायग्राम का होता ही है। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, 3 मार्क का आता है, 5 मार्क का आता है, लेकिन मिनिमम हाफ मार्क तो डायग्राम के है ही है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 मार्क। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है कि डायग्राम ढंग से बनाना आना चाहिए। जब आपको डायग्राम समझ में आएगा उसके बाद ही डेरिवेशन समझ में आएगी। ये बात क्लियर है बेटा? तो डायग्राम में हमने क्या किया, इनफाइनाइट वायर में छोटा सा पोर्शन लिया और उसके अक्रॉस आपने चार्ज को एनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाई जो कि सिलिंड्रिकल शेप की थी। उसके तीन डिफरेंट रीजन थे, 1, 2 और 3। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। डायग्राम आप बनाई लेंगे, इस वीडियो को जब रिपीटेशन आप देखेंगे तो वहां आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, चल अब सुनिए। अब मुद्दा यह है कि गॉस थ्योरम के जितने एप्लीकेशन है उनमें मैं एक कॉमन बात बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा रटने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जिससे आपको यह पता लगे कि सारे एप्लीकेशन जो होंगे, जो मैं चार डिफरेंट एप्लीकेशन आपको कराऊंगा, उन सब में एक ही तरीके से चीजें चल रही है। सबसे पहला क्या चलना है कि मुझे फाई ई को सॉल्व करना है। फाई ई का मतलब, फाई ई का मतलब होता है मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से? अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है आपको, क्योंकि मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपको मेथड सिखा रहा हूं कि एक्चुअली होना क्या है अगले चारों एप्लीकेशन के अंदर। कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके ले आओ जितना आता है एंड तक। फाइनली अभी कैसे सॉल्व करेंगे पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, और जो भी इसका आंसर आता है इसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा, जो भी इसका आंसर आता है उसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा। बस हर एप्लीकेशन में यही करना है, और इन दोनों को सॉल्व करके ई निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली चारों के चारों एप्लीकेशन में वही चीजें करूंगा मैं हमेशा, और इससे आपको आइडिया लगेगा, अच्छा पहले ये निकालना होता है फिर ये करना होता है, ऐसा सब में करना होगा, तो एक कॉमन बात है। ठीक है, चलो अब सुनो। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करूं, मैं आपको एक लास्ट क्लास की एक चीज रिकॉल करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना आज की क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो क्या है, मैंने आपको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, और उसमें आपको मैंने तीन तरीके की डेंसिटी बताई थी। सबसे पहली थी हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने लैम्डा साइन से डिनोट किया था, और उसका फॉर्मूला क्या था मैं रिकॉल करा दूं। लैम्डा का फॉर्मूला था आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, बेसिक फॉर्मूला, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिससे कि आपके पास क्यू का फॉर्मूला आएगा लैम्डा एल। एक दूसरा मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, और जिससे चार्ज निकल के आता है सिग्मा इनटू एरिया। फिर मैंने आपको बताया था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो, वो तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो चार्ज से निकल के आता है रो इनटू वी, वेयर रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब पता है क्या है, हमें क्या देखना है, जो भी मैं एप्लीकेशन कराऊंगा, जो चार एप्लीकेशन कराऊंगा, उनमें से हर एक एप्लीकेशन के अंदर इन तीनों में से एक पक्का लगेगा। अब वो एक पक्का कौन सा लगेगा, यही आपकी नॉलेज है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये फॉर्मूला कब लगता है, पहले वाला, ये तब लगता है जब चार्ज लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नीचे वाला फॉर्मूला कब लगता है, सिग्मा वाला, ये फॉर्मूला तब लगता है जब चार्ज सरफेस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और सबसे नीचे वाला फॉर्मूला रो वाला कब लगता है, जब चार्ज वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने जो डायग्राम देखा है इसमें चार्ज जो है, चार्ज ये लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर, या वॉल्यूम पे, किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये क्या है, ये लेंथ है ना, एल लिखा है ना, लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब वी नीड टू अप्लाई द कंडीशन फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, लैम्डा की बात करेंगे हम यहां पर, यानी कि लैम्डा आएगा इस डेरिवेशन के अंदर। और लैम्डा ही क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना तो एरिया के ऊपर ना वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम और एरिया के ऊपर कैसे होता है वो हम आगे के डेरिवेशन में देखेंगे।
ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डेरिवेशन होना कैसे है। लेट्स स्टार्ट। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा अभी। चलिए सबसे पहली चीज मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था हमारे पास फाइव ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन पता है यहां पे एक ट्विस्ट है। एक्चुअली मैं सीधा सीधा इसका एक फॉर्मूला तब लगाया था जब ये तीनों की तीनों मिला के सिर्फ एक सरफेस होती। हमारे पास तीन सरफेस है ना, एक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब तीन डिफरेंट सरफेस सॉल्व करनी हो तो हम इसको लिखते हैं फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो तीन सरफेस की वजह से निकलेगा, क्योंकि इस पूरे डायग्राम के अंदर तीन डिफरेंट सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस वन, एक ये टू और एक ये थ्री। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दस प्लस दस प्लस दस, तीनों का फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, ठीक है। अब बात करते हैं कि फाइव वन की जगह मुझे क्या लिखना है। फाइव वन की जगह मुझे लिखना है ई डॉट डी एस, लेकिन डीएस ना लिख के मैं वन लिख लूंगा। डीएस वन क्यों, फर्स्ट सरफेस, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएस टू सेकेंड सरफेस के लिए वेक्टर के साथ, प्लस तीसरा हमारे पास आएगा ई डॉट डीएस थ्री। ये अब पता है कितनी कमाल की बात है। अब ये होती है सोच की बात है। अब मैं अगर मैं सोचूं कि मैं अगर बहुत क्यूरियस हूं तो मेरे दिमाग में अब एक डाउट आ जाना चाहिए अब तक जो मैंने आपको अब तक बताया नहीं। जैसे ही मैं लिखूंगा आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने इसके ऊपर गोला तो घुमाया नहीं, जबकि हमने पढ़ा है कि गोला होता है वहां पे क्लोज सरफेस के लिए, कि आपने गोला तो घुमाया नहीं सर इसके ऊपर। छूट गया, गलती कर दी क्या मैंने? नहीं भाई, जानबूझ के नहीं घुमाया। क्यों? गोला घुमाने का मतलब होता है सरफेस क्लोज है, ठीक। लेकिन जब मैं ई डॉट डीएस वन लिखता हूं तो मैं सिर्फ पहली सरफेस की बात करता हूं, सिर्फ एक ये पोर्शन, ये सरफेस क्लोज नहीं। कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जो मेरा डायग्राम है ना यहां पे, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोका कोला की कैन होती है, कैन वाली कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक। आप उसको इमेजिन करो, जो कोका कोला वाली कैन होती है, ठीक है, उसमें ऊपर का एक ढक्कन होता है, एक नीचे का बॉटम होता है और एक कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर मैं सिर्फ एक ऊपर का ढक्कन निकाल लूं तो क्या वो ढक्कन क्लोज सरफेस है? क्लोज सरफेस वो होती है जो थ्री डायमेंशन होती है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। बॉटम निकाल लूं तो क्या वो क्लोज सरफेस है? वो भी नहीं है। और अगर मैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाल लूं तो क्या वो क्लोज सरफेस है? वो भी नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से खुली हुई है। लेकिन अगर मैं उस सिलेंडर को, इसको और इसको, तीनों को मिला दूं तो क्या अब ये क्लोज सरफेस है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी पूरा वॉल्यूम अभी कोल्ड ड्रिंक को कंटेन कर सकती है। लेकिन अगर मैं इनको तीन डिफरेंट पार्ट में तोड़ता हूं तो ये कोल्ड ड्रिंक को कंटेन नहीं कर सकती है, इनका वॉल्यूम नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि गोला तब घुमाते हैं जब सरफेस बंद होती है। तो क्योंकि फर्स्ट सरफेस क्लोज नहीं थी इंडिविजुअली, इसलिए मैं यहां पे इसको नहीं लगाऊंगा। ये बहुत टेक्निकल बात है, ऐसा नहीं कि मन की बात है, जहां मर्जी गोला लगा दिया, जहां मर्जी छोड़ दिया, नहीं। हर चीज का कंसेप्ट है, कहां क्या होना और कहां नहीं होना। तो यहां पर वो राउंड नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि सेकंड सरफेस भी क्लोज नहीं थी। थर्ड यहां भी राउंड नहीं आएगा क्योंकि ये भी क्लोज नहीं थी। तो तीनों में से कोई भी सरफेस क्लोज नहीं थी इंडिविजुअली, तीनों को मिला के क्लोज है लेकिन इंडिविजुअली नहीं है। और क्योंकि मैं सबको इंडिविजुअली सॉल्व कर रहा हूं इसलिए मैं उस गोले को नहीं घुमाऊंगा। क्लियर है बात? जब क्लोज सरफेस आएगी आप आगे आगे एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कब हम गोला लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां आपको पता लगना चाहिए कि यहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इंडिविजुअली सरफेस क्लोज नहीं थी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं दूसरा डाउट जो एक क्यूरियस बच्चे के हिसाब से मुझे पूछना चाहिए कि सर आपने वन टू थ्री तो आपने सरफेस एरिया के लिए लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1, E2, E3 क्यों नहीं लिखा? E1, E2, E3 आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यों नहीं लिखा जब आपने सरफेस के लिए 1, 2, 3 लिख दिया? तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या डाउट था। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो, यहाँ 1, 2, 3 आना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर आपने सही लिखा है, अब वो ये इंश्योर करें कि जो मैं कह रहा हूं उनकी सोच वही है कि नहीं है, ठीक है। देखो ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये पूरी एक ही वायर है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही आएगा। अब पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा कब हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा तब होता है जब इस पे ज्यादा चार्ज होता है, इस पे कम होता है, इस पे कम होता है,
अगर चार्ज सब पे एक जैसा है और वायर भी एक ही जैसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक ही जैसा अपीयर होगा। तो क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही सेम रहेगा, हर पोर्शन पे, छोटे से पोर्शन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। ये इसका आंसर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो तीनों जगह बिल्कुल एक ही चीज है, क्योंकि एक ही चीज की वजह से, लेकिन सरफेस तीन अलग अलग है, इसलिए हमने DS1, DS2 और DS3 लिखा। ठीक बच्चे, चलो अब आगे देखते हैं। अब E.DS1 को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं? सबसे पहले डॉट हटा के हम थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा। ये सोचो, ये बहुत बढ़िया टेक्निकल स्टेप है। मैं लिखूंगा इसको EDS1 cos, फर्स्ट सरफेस की बात करनी है, फर्स्ट सरफेस, ये रही फर्स्ट सरफेस। इस फर्स्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 के बीच में कितने का एंगल बताया था आपने? 90 डिग्री का, बिल्कुल। तो EDS1 cos 90 प्लस, अब बात करते हैं आगे EDS2। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ EDS2 cos, सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में कितने का एंगल है? इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो यहां 0 आ गया। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ EDS3 cos, थर्ड में कितने का एंगल था? 90 का, तो 90 आ गया। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास सॉल्व करके आया यहां पे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0। इसमें क्या बचेगा हमारे पास? EDS2 बचेगा, क्योंकि cos 0 तो हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास बचेगा E इंटीग्रेशन ऑफ DS2 प्लस, थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में भी 0 आएगा, ये आ गया। तो इनको सॉल्व करके अभी तक हमारे पास ये पता लगा कि तीन में से दो सरफेस पर 0 आ गया आंसर, दो सरफेस पर 0। ठीक है, यानी कि वहां कोई फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स तब होता है जब एरिया के अंदर से फील्ड लाइन जाती है। आप सोच के देखिए, ये सरफेस एरिया, तो इसके अंदर से फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन अगर ये एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, तो एक भी फील्ड लाइन नहीं जा रही इसके अंदर से, इसलिए इसका और इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं और क्या है। ठीक है, देखो अब मेरे पास फाइनली क्या है, phi E is equal to E integration of DS2। अब मुझे रखनी है DS2 की लिमिट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। ठीक है, DS2 का इंटीग्रेशन होना है, DS2 का मतलब सेकंड सरफेस। अब मुझे ये बताइए कि जो सेकंड सरफेस है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सेकंड सरफेस क्या थी? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh, ये होता है। तो मैं लिमिट लिखूंगा, कम से कम ये सरफेस कितनी हो सकती है? 0, और मैक्सिमम हो सकती है 2πRh। h का मतलब होता है हाइट ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट ना हो के यहां पे लेंथ है, हाइट ही तो लेंथ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2πRL, ये आ गया 2πRL। ओके, अब E इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद 2πRL आ जाएगा, क्योंकि DS2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो S2 आएगा, लिमिट पुट करोगे 2πR। ये आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख भी सकते हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे पास आया इक्वेशन नंबर 1। कुछ याद आ रहा है मैंने क्या बताया था डेरिवेशन के स्टार्टिंग में? कि सबसे पहले आपको phi E जो आके सॉल्व करके आता है उसको ले आइए, कहां तक वो आता है। और ध्यान रखिए, अभी तक मैंने गॉस लॉ नहीं लगाई है। कैसे पता गॉस लॉ नहीं लगाई है? क्योंकि मैंने अभी कहां लिखा कि phi E is equal to q upon epsilon naught, वो तो टर्म आया नहीं अभी तक, और जब तक वो टर्म नहीं आया तब तक आपने गॉस थ्योरम नहीं लगाई। ठीक है बेटा, तो अब लगाएंगे हम गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन होने का मतलब गॉस थ्योरम तो लगेगी। अगर मैं बोलता हूं कोई क्वेश्चन ऐसा है मैथ्स का जो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना उसके अंदर। इसी तरीके से अगर ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो मुझे गॉस थ्योरम इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। ओके, तो यहां से लेकर यहां तक हमने phi E निकाल लिया। अब मैं बात करता हूं बाय गॉस लॉ क्या आता है। बाय गॉस लॉ इसी phi E को हम लिखते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं डायरेक्टली q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, यहां से आता है ट्विस्ट गेम, यहां से कि अगर ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन q को मैं q नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज एक जगह नहीं है, बिखरा हुआ है, और चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको चार्ज डेंसिटी रखनी पड़ेगी इसकी जगह। और मैंने आपको बताया था क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो मैं इससे क्यू निकालूंगा, और क्यू कितना आया इससे? क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। तो इसी को मैं लिखता हूं यहां पे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। बस अब डेरिवेशन हमारा एंड पर है। मैंने phi E पहले जनरली सॉल्व कर लिया, कितना आ रहा था?
सर गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई इतना आता है निकल के, जिसमें आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट भी लग गया। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करना है और ई निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका फाइनल डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कैसे करना है। बस थोड़ा सा और रहता है। देखिए अब क्या है हमारे पास, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट क्या मिल गया, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है? ओके, फिर L से L कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2πεr, दिस इज द फाइनल डेरिवेशन, ये इसका फाइनल आंसर होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πεr। अब एक बात सुनिए, पता है एक जबरदस्त कंक्लूजन निकला, एक नहीं दो जबरदस्त कंक्लूजन निकले, जब भी हम कोई रिजल्ट लेके आते हैं तो सोचना होता है कि वो रिजल्ट कह क्या रहा है। पहले तो ये रिजल्ट ये कह रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के एल नहीं आया, पता क्या मतलब निकलता है इसका, देखो एल से एल कैंसिल हो गया था और एल का मतलब था लेंथ ऑफ वायर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हमेशा यही आएगा, चाहे आप 20 मीटर के वायर ले लो, चाहे 2 मीटर के वायर ले लो, चाहे 3 मीटर के वायर ले लो, और चाहे इनफाइनाइट वायर ले लो, क्योंकि ये उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कितनी दूरी पे चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्यों वो ये लिखा है आर, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है इससे। जैसे आप सोच के देखो ये प्रैक्टिकली कितना आसान है, ये मेरे पास वायर है और इसके ऊपर चार्ज है, अगर मैं इसके पास रहूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर जाऊंगा कम हो जाएगा, और दूर जाऊंगा और कम हो जाएगा, इसका मतलब जितना आप आर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो यहां पे आ भी रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको आगे, देखिए इसके बाद हम इसको लिखेंगे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये प्रोपोर्शन जरूर लिखना होता है। और साथ में एक चीज और, पता है मान लो डेरिवेशन 3 मास का आ गया, आपने पूरा बिल्कुल ऐसे छाप दिया, तो पता है टेकर कितने नंबर देंगे, 2.5। आप सोचेंगे सर कमाल की बात है, आपने पूरा डेरिवेशन बता दिया, सारी चीजें बिल्कुल सटीक तरीके से बता दी, फिर भी आधा नंबर कट जाएगा। भाई इसलिए कटेगा क्योंकि एक चीज एग्जाम में पूछी नहीं होती लेकिन करनी होती है, वो क्या, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देखो इसका कितना है, ग्राफ तो बहुत ईजी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाना है, हर जितने भी डेरिवेशन में एप्लीकेशन कराऊंगा सब में ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में बनाना है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनता है ऐसा, ये इस शेप का ग्राफ बनता है। देखो आपके दिमाग में बात आ सकती है कि सर जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भाई डाउन में स्ट्रेट लाइन आ जाती, कर्व क्यों आ रही है, स्ट्रेट लाइन तब आती है जब कोई चीज बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल या उस प्रोपोर्शन में चल रही हो, जैसे मैंने डिस्टेंस डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो गया, डिस्टेंस ट्रिपल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो गया, अगर ये ऐसा ही चलता रहता तो स्ट्रेट लाइन आ जाती, लेकिन होता क्या है चीजें अलग अलग हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपेंशन इतना नॉन यूनिफॉर्मली होता है कि जितने मल्टीप्लाई आप डिस्टेंस के करते रहते हो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्रोपोर्शन में एग्जैक्टली कम नहीं होता। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, पोल्स के पास बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, मैग्नेट पे भी ऐसा ही होता है। तो जब कोई चीज बिल्कुल उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जिस तरीके से मैथमेटिकली उसको देखा जाता है तो उसका ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कर्व आता है। ठीक है, ये था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर, हमारे पास ये ग्राफ हुआ एंड दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन, ये हमको पहला डेरिवेशन आज करना था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, क्लियर हो गया। मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि मैंने एक चीज आपको क्या बताई कि जो हम सारे डेरिवेशन में करेंगे अब कहां तक, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता, इस चैप्टर में बस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बसता है और जैसे मैं वो खत्म कराऊंगा चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जिनसे एक मैं कर चुका हूं, 3 और होंगे हमारे पास और इस वीक के अंदर हम उसको खत्म भी कर लेंगे। ठीक, अब देखो सीन क्या है, मैंने आपको ये बताया कि किसी भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सबसे पहला काम क्या करना है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है कि पहले आप उसका डायग्राम बनाइए जिसमें चार्ज को दिखाइए, गॉसियन सरफेस दिखाइए और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करिए, एक बात, पहली बात हो गई डायग्राम ढंग से बनाना। दूसरी बात ये हो गई कि आप phi e is equal to e dot ds उसको सॉल्व करते हुए लेके आइए, कहां तक, जब तक वो फाइनली जितना मैक्सिमम सॉल्व हो सकता है वहां तक ना जाए, जैसे ही वो आएगा उसके इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे,
उसके बाद दूसरा काम क्या है, फिर मैं लिखूंगा बाय गॉस थ्योरम या बाय गॉस लॉ, उसमें लिखूंगा phi e is equal to q upon epsilon, और q को उस चार डेंसिटी से रिप्लेस कर दूंगा जो उस केस के लिए बेस्ट फिट है। ठीक है, जैसे कि इसमें लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो q is equal to lambda l आ गया, अगर चार्ज एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो मैं लिखता q is equal to sigma into a एरिया। ठीक है, अगर वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो मैं लिखता q is equal to rho into v, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी into वॉल्यूम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ यही डिफरेंस पड़ेगा। ओके, और बस उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी होगी जो आप सॉल्व करके लाए होंगे फाई को, इक्वेशन नंबर 2 गॉस थ्योरम से बन जाएगी, दोनों फाई को कंपेयर करके हमेशा आंसर निकालना है, सब एप्लीकेशन में यही करना है। ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो भी एग्जाम में काफी आता है, जनरली आता रहता है। होता क्या है कि अभी अगर मैं आपके बोर्ड के एग्जाम की बात करूं तो बोर्ड के एग्जाम के एक सेट में ये डेरिवेशन आया और दूसरे सेट में वो डेरिवेशन आया जो मैं आपको अब करा रहा हूं, क्योंकि देखो तीन सेट होते हैं बोर्ड में और सब में कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो चेंज वो किस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने बोला गॉस लॉ के तीन एप्लीकेशन मेन है, तो उन तीन एप्लीकेशन में एक सेट में मेरे पास अगर ये एप्लीकेशन आ गया तो दूसरे सेट में इसका कोई दूसरा एप्लीकेशन आ सकता है। तो उससे क्या होता है, डिफिकल्टी लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सेम ही क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट दे रहे हैं अलग अलग सेट्स के अंदर। तो बच्चे को यह भी नहीं लगता कि भाई तेरे में तो गॉस थ्योरम का आ गया, मेरे में कोई डिफिकल्ट आ गया। नहीं, अगर एक में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आया तो दूसरे में भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन आया, बस वो दूसरा आ गया, तो डिफिकल्टी लेवल सेम ही है। ठीक है, इसलिए आपको इसको ढंग से सीखना है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, पिछले 4-5 साल के आप बोर्ड के पेपर देखे, आपको गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन मिलेगा ही मिलेगा, वो आता ही एग्जाम में। ठीक है, राइट। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, सेकंड डेरिवेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, देखो कितना कॉमन है, वही टॉपिक है, बस अंतर यह है कि मुझे सिर्फ उस चीज का नाम बदल देना है जो हम अलग तरीके के सरफेस सेलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल, शेल को हम एक और नाम से जानते हैं, होलोस्फेयर, होलोस्फेयर। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे सबसे पहला काम इसका डायग्राम को बहुत कंसेप्चुअली बनाना है। और स्फेरिकल शेल का पहले तो कोई एग्जांपल ले लो, किसको बोलते हैं स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल होती है प्लास्टिक की एक बॉल। अच्छा, कुछ ऐसे बॉल्स आते हैं छोटे बच्चे कहते हैं ABCD लिखी होती है उसके ऊपर, बलून टाइप की बॉल होती है, बिल्कुल राउंड, बहुत हल्की सी एयर बनी होती है, एक पिंच हुआ तो फट जाएगी, वो अंदर से बिल्कुल खाली है ना, वो एक शेल है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस शेल को यानी कि इस टाइप की बॉल को कॉपर से बना दूं, कॉपर की बनाओ, तो ये क्या आएगा, कंडक्टिंग शेल। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी शेल को वुड से बनाता हूं तो ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि तब वो नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग का मतलब मुझे कंडक्टर लेना है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मुझे कंडक्टर का लेना है उसको, और अंदर से हॉलो खाली होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज क्यों, अब सोच के देखो, अगर मैं पूरा का पूरा एक बॉल ले लेता हूं यहां पे कॉपर की बनी हुई और मैं उसके ऊपर चार्ज डाल देता हूं बस, तो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज अपने आप को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा यूनिफॉर्मली। चलो मैं इसका एक आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूं जिसको शायद फिजिकली आप देख सके। एक बॉल हमने ले ली, ठीक है, उसके ऊपर किसी चीज के थ्रू आपने क्या किया, चींटियां होती है आंट, ठीक है, उसको आपने किस तरीके से डाला उसके ऊपर, तो पहले क्या होगा, वो कोशिश करेंगे एक लाइन में चलने की, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी बॉल के ऊपर चींटियां फैल जाएंगी, जैसे लड्डू के ऊपर फैल जाती है, लड्डू रखा हो कहीं पे, चींटियां जब उसके ऊपर लगती हैं तो क्या ऐसा होता है किसी एक पोर्शन पे चींटियां चिपक रही होती है बाकी पोर्शन खाली, नहीं, पूरे पे फैल गई होती है। जैसे वो चींटियां पूरे पे फैल रही है ना, उसी तरीके से वो चार्ज फैलता है। ठीक है, और चार्ज क्यों फैल रहा होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने मान लो एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब जब मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो पहले वाले पॉजिटिव चार्ज को दूसरा पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा, रिपेल करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, फिर और चार्ज आएगा उसको और रिपेल करेंगे, तो रिपेल करते करते रिपल्शन के थ्रू क्या होता है, वो पूरे सरफेस के ऊपर फैलते चले जाते हैं। ये तरीका होता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनना है।
सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक स्फीयर, ठीक, और उस स्फीयर के ऊपर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये चार्ज आ गया स्फीयर के ऊपर, ओके। अब रेडियस ऑफ स्फीयर को मान लेता हूं कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ये कहती है कि बेटा इस पे गॉस थ्योरम तब लगा पाओगे जब ये चार्ज बंद हो, एनक्लोज्ड हो जाए। अभी तो चार्ज सरफेस के ऊपर है। अब मुझे मत बताओ, एक बॉल के ऊपर अगर चार्ज है और मैं उस चार्ज को बंद करना चाहता हूं तो क्या कर सकते हैं? उसे एक और बॉल के अंदर रख दो। एक बड़ी बॉल के अंदर अगर मैं एक छोटी बॉल डाल दूं तो उसके अंदर एनक्लोज हो गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जितना चार्ज है उन सबको अगर मैं बंद करना चाहता हूं तो मुझे इसके ऊपर एक और बिल्कुल इसी के जैसी सरफेस बनानी पड़ेगी। और एक्चुअली सरफेस है नहीं, इमेजिन करिए, इमेजिन। और आपको पता है कि इस इमेजिनरी सरफेस का हम क्या बोलते हैं? दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, करेक्ट। ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है मेरे को, ये क्या है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक। अब तरीका क्या होता है? आपने पिछले अभी डेरिवेशन के अंदर भी गॉसियन सरफेस बनाई थी सिलेंड्रिकल शेप की, और उस सरफेस के ऊपर छोटा सा पैच माना था, एक टुकड़ा माना था थोड़ा सा, और उसको लेके हमने सॉल्व किया था, बाद में इंटीग्रेशन कर दिया था। तो यहां क्या करेंगे, इस पूरी गॉसियन सरफेस को अगर सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, छोटा सा एक पैच मान लेते हैं इसके ऊपर। ये मान लिया मैंने एक पैच गॉसियन सरफेस के ऊपर, ये, ठीक। अब देखो बेटा, दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर, यहां से लेकर गॉसियन सरफेस तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं स्मॉल आर मान रहा हूं। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। यहां पे दो आर आ चुकी हैं, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द गॉसियन सरफेस एंड कैपिटल आर इज द एक्चुअल रेडियस ऑफ स्फीयर। पता लग गया दोनों में अंतर है? यानी कि कैपिटल आर तो हमेशा ही सेम रहेगी लेकिन स्मॉल आर बदल सकती है, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस को मैं बाहर भी ले आ सकता हूं, ठीक सरफेस पर भी रख सकता हूं, इसके अंदर भी ला सकता हूं, ठीक है। अब आपको लगा कि भाई गॉसियन सरफेस को अंदर ले आएंगे तो चार्ज को कैसे एनक्लोज करेंगे? ऑब्वियसली दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, कि गॉसियन सरफेस को कैसे कैसे मूव कराया, क्योंकि इमेजिनरी सरफेस है। अब इमेजिन तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो ये भी इमेजिन कर सकता हूं मैं मून पे खड़ा हूं, इमेजिन ही तो करना है, रियलिटी थोड़ा है, ठीक है। तो चलो, ये गॉसियन सरफेस वो थी जो कि पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर एनक्लोज कर रही है, यूनिफॉर्मली चार्ज को अपने अंदर स्फीयर कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाहर की ओर, ठीक है, और इसी पोर्शन पर सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी बाहर होगी, ds। दिस इज अबाउट द डायग्राम। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में बात हो कि सर ऐसा डायग्राम हमने पढ़ रखा है, जब मैंने आपको गॉस थ्योरम का प्रूफ कराया था ना बेटा, तो डायग्राम कुछ ऐसा ही था, लेकिन कुछ नॉट एग्जैक्टली, पता है क्यों? अब ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, उसमें ये था कि चार्ज यहां था q अंदर और उसको हमने एनक्लोज कर रखा था गॉसियन सरफेस से, सिंगल पॉइंट चार्ज था, चार्ज एक ही पॉइंट पर था, और यहां पर क्या है, चार्ज ऊपर बिखरा हुआ है सारा, अंदर नहीं है यहां पे, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम सिमिलर होते हुए भी सेम नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दिस इज अबाउट द गॉसियन सरफेस, ये आपका डायग्राम आता है बेटा। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है, इसके तीन पार्ट्स हैं, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। ये सबसे बड़ा डेरिवेशन है इन सारे डेरिवेशन के अंदर, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम के साथ आप रेडी रहेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट एप्लीकेशन को जरूर एक बार रिवाइज कर लें ताकि ये डेरिवेशन आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी, लॉलीपॉप, बिल्कुल ऐसे, ठीक है बेटा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बिल्कुल फिट रहिए, फाइन रहिए और एनर्जेटिक रहिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे हैं, ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।